तो दोस्तों, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की मूवी फाइटर की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल मूवी की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। मूवी फाइटर की नई रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। गौरतलब है कि पहले ये मूवी साल 2023 में रिलीज की जाने वाली थी और अब ये फिल्म 2024 में रिलीज होने वाली है। मूवी को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं। मूवी फाइटर में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण के अलावा अनिल कपूर भी दिखाई देंगे। इस बारे में कहा जा रहा है कि फिल्म ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण एयरफोर्स के पायलट के रोल में दिखाई देने वाले हैं। बताते चले, सिद्धार्थ आनंद ने मूवी फाइटर का ऋतिक रोशन के जन्मदिन यानी 10 जनवरी 2021 पर ऐलान किया था। पहले यह फिल्म 2023 में रिलीज होनी थी, अब यह फिल्म 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघर में रिलीज की जाने वाली है। बता दें, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फाइटर इंडिया की पहली एरियल एक्शन मूवी होने वाली है, जिसके एक्शन आसमान में फिल्माए जाने वाले सीन के लिए VFX का भी सहारा लिया जाएगा। मूवी फाइटर में ये सीन रियल होंगे। हॉलीवुड के कई मूवीज में एरियल एक्शन दिखाए गए हैं। बताते चले, मूवी फाइटर में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण पहली बार स्क्रीन स्पेस साझा करती हुई नजर आएंगी और देखना दिलचस्प होगा कि ये पहली एरियल एक्शन फिल्म लोगों को कितना ज्यादा पसंद आएगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आप नए रिलीज डेट को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब।